इंदौर में एक बुजुर्गों की सनसनीखेज हत्या की घटना सामने आई है, जहां रास्ते में सामान खरीदने की बात को लेकर विवाद हो गया और उसी दौरान एक बुजुर्ग के सीने पर जोरदार मुक्का मार दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल मामला जुनिंदौर पुलिस थाना क्षेत्र का है, जहां एक गली में सामान रखने की बात को लेकर दूध डेयरी संचालक रवि का विवाद हो गया। मामूली बात से शुरू हुआ विवाद बातों ही बातों में गाली गलौज और मारपीट तक पहुंच गया। इसी दौरान रवि के 65 वर्षीय पिता समझाइश के लिए पहुंचे, जहां एक व्यक्ति ने उनके सीने पर जोर से मुक्का मार दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गए। तत्काल परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कल दुकान मंगल करके, डेयरी मंगल करके मैं घर आया। घर आया तो रास्ते में सबुन का सामान पड़ा था, दुकान का सामान और उनकी गाड़ी साइकिल वगैरह। उनको मैंने पहले भी कितनी बार बोला भाईचारे से, अच्छे तरह से, सब तरह से कि भाई आप बीच में ये सामान मत रखो, दिक्कत होती है, हमारे आने जाने का रास्ता है। तो उसी पे वो लेके जोर शोर से विवाद हुआ होगा, गाली गलौज हुई, उल्टे सीधे शब्द हुए और यही चलते ही रही। उतने में मेरे पापा घर से ऊपर से उठ के आ गए और उन्होंने भी उनको समझाना चाहा, समझाते उनका व्यवहार खराब हो गया और बढ़ गया। बढ़ते बढ़ते उन्होंने एक ने, जिसका नाम कारा है, उनको यहाँ छाती में मारा, जोर से मुक्का मारा, मारते से ही वो ज़मीन पे गिर गए। गिरे और मैं उठाया उनको तो उठ ही नहीं रहे, बात कर रहा हूँ तो न बात कर रहे हैं और इतने में ही सब न तो हाथ चल रहे न तो पैर चल रहे हैं। जैसे तैसे मैं लेके हॉस्पिटल पहुँचा। बस ये इनका का प्लास्टिक सेंटर है, हमारा काम दूध डेयरी का है, दूध व्यापारी है। 60-65 थी। फिलहाल मृतक के पुत्र की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।